जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जद्दोजहद में मसरूफ थे, आलम इस्लाम में क्या आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, अमन अमान होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह के बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूजा फलस्तीन, फलस्तीनियों से फलस्तीनियों के हिमायत में कासिब सहयोगी से आजाद होना चाहिए। जब तक वो सहयोगी के कस्बियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पूरे आलम इंसानियत के साथ साथ आलम इस्लाम को हदीय तजियत पेश करता हूँ। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए उन्होंने जान शहादत। तो कितना कितना बड़ा नुकसान फलस्तीनी काज के लिए इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, मगर उसके खून से हजारों नसरुल्लाह पैदा होंगे। वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से हम